हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 448 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर एंड द बेस इज ए स्क्वायर। फाइंड फर्स्ट अ साइड ऑफ द स्क्वायर बेस एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड ये इस टाइप का है कुछ, ये क्यूबॉइड है। इसका जो ये बेस है में लेंथ और ये ब्रेथ जो है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। बेस का ये दिया हुआ है और वॉल्यूम आपका दिया हुआ है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम? लेंथ इनटू अंकित, ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब ये स्क्वायर बेस है, इसका मतलब है इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम ही होगा। तो इसका ये वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 448 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा कितना, एल, और बी ब्रेथ भी, उसको भी हम एल ही मान सकते हैं। इनटू हाइट दिया हुआ है कितना, सेवन सेवन। अब देखिए ये सेवन से कैंसिल हो जाएगा, 7 6 42 एंड ये 42 हो गया, तो 8 7 4 28, तो ये हो गया आपका 64 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। देयर फोर एल इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर 64, इसका हो गया 8, ये यूनिट हो गया सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इसका साइड। तो ये भी 8 है और ये भी आपका 8 हो गया। हाइट आपको दिया हुआ है, हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट निकल गया, साइड ऑफ द स्क्वायर बेस। देयर फोर साइड ऑफ द स्क्वायर बेस इज 8 सेंटीमीटर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में बोलता है कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, यानी टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है ट्वाइस लाल बहादुर, बहादुर हथरे प्लस हथरे लाल। अब बैठा दीजिए, ट्वाइस एल है आपका कितना, एल और बी दोनों सेम सेम है, तो 8 इंटू 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, ब्रेथ 8 इंटू हाइट दिया हुआ है 7, प्लस हाइट दिया हुआ है 7 इंटू लेंथ हो गया 8, नहीं तो ये हो गया ट्वाइस 8 8 जा 64 प्लस 8 7 जा 56 प्लस 56, ये हो गया 112 और 176, नहीं 176, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 352, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।